84 कोसी परिक्रमा हनुमान बाग चकोही से साधु संत हुए रवाना। आपको बता दें कि महाराष्ट्र के संत ज्ञानेश्वर महाराज द्वारा 84 कोसी परिक्रमा में 150 साधु संतों की टोली के साथ गुरुवार को मखौड़ा धाम से 84 कोसी परिक्रमा का शुभारंभ किया। मखौड़ा धाम से गुरुवार की भोर में मनवर नदी में स्नान कर श्रद्धालुओं ने राम जानकी मंदिर में पूजा पाठ किया और धर्म ध्वजा फहराने के बाद श्री राम जय घोष के साथ परिक्रमा का शुभारंभ किया गया है। परिक्रमा में बिहिप के दिनेश मिश्र व अन्य लोगों ने भागीदारी की है। परिक्रमा गुरुवार की दोपहर तक रामरेखा मंदिर परिसर में पहुंची है। रामरेखा मंदिर के महंत दया शंकर दास व व्यवस्थापक गोपाल सोनी ने साधु संतों का स्वागत किया है। ये तस्वीरें हम आपको दुमौलिया क्षेत्र के मखौड़ा धाम से निकलने के बाद हनुमान बाग चकोही की दिखा रहे हैं, जहां पर हनुमान बाग चकोही में महाराष्ट्र के साधु संत आज 84 कोसी परिक्रमा के बाद अभी रवाना हो गए हैं और यह सिंगी ऋषि आश्रम में जाएंगे और नदी होते हुए ये पार करेंगे, सरयू नदी को पार करेंगे और इसमें बड़ी संख्या में साधु संत हिस्सा ले रहे हैं। आइए हम सुनवाते हैं कि साधु संतों ने आखिर क्या कुछ कहा 84 कोसी परिक्रमा को लेकर के। आपने देखा है कि महाराष्ट्र के ये हैं साधु संत, 84 कोसी परिक्रमा में हिस्सा लिए हुए हैं और ये बंधे पर बैठ करके नाश्ता कर रहे हैं। ये तस्वीरें आप सीधे तौर पे दुबौलिया विकास खंड के अंतर की देख पा रहे हैं, जहां पर महाराष्ट्र के साधु संत बड़ी संख्या में 84 कोसी परिक्रमा में हिस्सा ले रहे हैं और राम धुन की में लीन है और भगवान के जय घोष के साथ यह इनका पद यात्रा आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इसमें महिलाएं भी हिस्सा ले रही हैं और पुरुष भी हिस्सा ले रहे हैं। ये तस्वीरें आप बंधे की देख पा रहे हैं, जहां पर उनका नाश्ता हो रहा है और यह 84 कोसी परिक्रमा हनुमान बाग चकोही से साधु संत अब यहां से रवाना हो रहे हैं। महाराष्ट्र के साधु संत हैं, लगभग 150 की संख्या बताई जा रही है। निश्चित तौर पे यह क्षेत्र में काफी लोगों में हर्षोल्लास है कि हनुमान बाग चकोही से अब साधु संतों का जत्था निकल चुका है। ये है और आप लोगों का उद्देश्य क्या है? हम लोग का उद्देश्य है कि भगवान श्री रामचंद्र भगवान प्रभु की जो अवध नगरी है, अयोध्या नगरी है, भगवान प्रभु रामचंद्र के विश्व के दैवत है, प्रभु है, तो प्रभु ने जिस नगरी में जन्म लिया है तो वो नगरी का वो भूमि का हमको दर्शन होने की इच्छा है। हम भी भगवान प्रभु रामचंद्र के भक्त है, हमारी इच्छा ये है कि हमारे जीवन में उनका कृपा आशीर्वाद रहे और अयोध्या नगरी के जो भाविक भक्त लोग हैं उनका ही हमें दर्शन हुए, इस भावने से हम परिक्रमा कर रहे हैं। परिक्रमा जो है लगभग कितनी संख्या में लोग शामिल हैं? अभी हमारे परिक्रमा में करीब 260 लोग हैं, पूरे ब्रह्मचारी लोग हैं, इसमें आचार्य है, साधक है, विद्यार्थी है, भाविक भक्त है, धनिक है, सब लोग हम बहुत प्रेम से और आनंद से ये अयोध्या नगरी की परिक्रमा कर रहे हैं। हमारे साथ हमारे पुणे के परमहंस श्री संत शंकर बाबा के भक्त रामदास सेठ जी दांगट ये हमको 8 दिन का अल्पहार भी देते हैं। हमारे साथ जगत गुरु तुकाराम महाराज जी के वंशज बापू महाराज मोरे भी है और हमारे विश्व में गाथा मंदिर बोल के महाराष्ट्र में बहुत बड़ा तुकाराम महाराज जी का गाथा मंदिर बनाया है, वो गाथा मंदिर के जो शिक्षक है वही हमारे साथ है। हमारे दादाजी हमारे साथ है, सदगुरु जोग महाराज वारकरी शिक्षण संस्था बोल के ये साधक लोग है वही संस्थे के छात्र लोग है और इतना आनंद हमें आता है। अभी शरयू माते के तीर पर हम शरयू माते को नमन करते हुए इतना कहता हूँ, हम रात में जिस आश्रम में रुके वो आश्रम के जो महंत है वो पांडे गुरुजी पाठक गुरुजी उन्होंने ही हमारी बहुत व्यवस्था किया है। हम इतनी प्रार्थना करता हूँ
महाराष्ट्र के भाविक भक्तों को कि सबको भगवान का नाम, मंगलमय नाम आपके मुख में रहे, जीवन में सेवा करते रहे, सेवा परमो धर्मः। हम लोग मनुष्य जन्म का सार्थक यही है कि हम सेवा करें, भगवान ही सेवा के रूप में हमें दर्शन देते हैं। तो मनोकामना है कि भगवान की अयोध्या नगरी की परिक्रमा 84 कोश परिक्रमा हमें करने की इच्छा है। क्या नाम है आपका? मैं विठल, महंत विठल जी, महंत विठल जी हूँ। महाराष्ट्र में जितने भी साधक लोग हैं, विद्यार्थी लोग हैं, हम भी थोड़ा सोशल सामाजिक काम करता हूँ। ऐसे मैं विठल जी है, जोग महाराज वारकरी शिक्षण संस्था का छात्र हूँ। और महाराष्ट्र में, विश्व में हमारी संकल्पना है कि आर्ट ऑफ लिविंग, जीवन में सभी को सुख होना चाहिए, परम शांति होनी चाहिए। वो वेदों का संदेश, संतों महंतों का संदेश, हम जहाँ जहाँ भी जाते हैं, बाल संस्कार शिविर का आयोजन भी हम करते हैं। और छोटी हमारी संस्था है, ब्रह्म विद्या प्रसारक मंडल ट्रस्ट की संस्था के द्वारा हम समाज की सेवा करते हैं। आप लोग अयोध्यावासी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत प्रेम हमें दे रहे हैं। पुनश्च आपको अभिनंदन करते हुए, नमन करते हुए हम यहाँ वाणी को पूर्ण विराम देता हूँ। महाराष्ट्र भाषा है इसीलिए थोड़ी हिंदी में गड़बड़ होती है, तो चलो कोई ग्राम तत्म नमो क्षमपुर शंबाए नमो शिव शिवासुते। अयोध्या के 84 कोसी परिक्रमा में हम लोग जो महात्मा श्री क्षेत्र आलंदी धाम से आप देख रहे हैं, सब पूरे महात्मा यहाँ पे आए हैं। 24/10 से 31/10 तक इस परिक्रमा का नियोजन हमारे कार सेवक फोरम के सुरेंद्र जी के मार्गदर्शन से हम लोग परिक्रमा कर रहे हैं। इस परिक्रमा में सब गुरुकुल के छात्र यहाँ पे सब उपस्थित है, उनके और हमारे गुरुकुल के आचार्य द्वारा इसे परिक्रमा पूरी उठाई जा रहे हैं। इसका उद्देश्य एक है कि सब जगह भगवान, जो वाराणसी क्षेत्र में हमने पिछले बार जो परिक्रमा की थी, तो इस बार अयोध्या धाम में हम लोग ये परिक्रमा जो उठा रहे, उसका संकल्प ये है कि सब जगह भगवान नाम का जयघोष हो। जैसे हमारे संत ज्ञानेश्वर महाराज ये कह रहे हैं कि यदक्षरम अनाख्यम आनंद मज केवलम श्रीमन निवृत्ति नाते ख्यातम दैवतमाश्रय। इस जिस नाम का घोष हम लोग सब लोग किया जा रहे, उसका उद्देश्य है कि सभी को भगवान नाम की और भगवान प्राप्ति की शिक्षा की ओर सब लोग जाए, इसका ये तात्पर्य। जय श्री राम, जय श्री राम।